हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नॉलेजफुल फैक्ट्स की दुनिया में। क्या आप जानते हो भारत में एक ऐसा भी स्टेशन है जहां आपको जाने के लिए पासपोर्ट व वीजा की आवश्यकता होगी, और अगर आप बिना वीजा या पासपोर्ट के वहां पकड़े जाते हो तो आपको जेल भी हो सकती है। और क्या आपको पता है कि एक लड़की ने फेयर एंड हैंडसम कंपनी पर सिर्फ इसलिए मुकदमा ठोक दिया क्योंकि विज्ञापन में दिखाए गए एड के अनुसार वह 3 हफ्ते में गोरा नहीं हुआ था। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे ही अनेक तथ्यों को डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है आपके घर में जो भोजन बनाने के लिए गैस उपयोग किया जाता है वो एक प्राकृतिक गैस होता है जिसमें कोई गंध या स्मेल नहीं होता है। इसमें तो जानबूझकर ऐड किया जाता है ताकि लीकेज होने पर पता चल सके। फैक्ट नंबर 14, 1992 में पर्दे पर आई फिल्म खुदा गवाह है की शूटिंग के दौरान जब अमिताभ बच्चन अफगानिस्तान गए हुए थे, उस दौरान वहां के राष्ट्रपति ने अपने देश की आधे सुरक्षा तंत्र को अमिताभ बच्चन की सुरक्षा के लिए लगा दिया था जिससे कि उनके ऊपर किसी भी तरह के आतंकवादी हमले ना हों। फैक्ट नंबर 13, क्या आप जानते हो दुनिया में सबसे तेज इंटरनेट स्पीड साउथ कोरिया में आती है, करीब 33.5 Mbps, वह उसके बाद जापान करीब 12.0 Mbps। आप यहाँ टॉप 10 देशों की लिस्ट को देख सकते हैं। अजीब बात यह है कि भारत का नाम इन टॉप 10 देशों के लिस्ट में नहीं आती है। सोचिए अभी भी भारत तकनीकी मामलों में कितना पीछे है और हम कहते हैं कि हमारा भारत महान। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हो संगीत सुनकर जिस तरह से आपका मन खुश हो जाता है उसी तरह से अगर फूलों को संगीत सुनाया जाए तो वे ज्यादा जल्दी बढ़ते हैं, वो विकसित होते हैं। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है दुनिया में सबसे तेज खाना खाने का रिकॉर्ड कैल्विन मेडिना के नाम है जिन्होंने मात्र 23.62 सेकेंड में 12 पिज्जा खा लिए थे। क्या आप भी ऐसा करना चाहोगे, हमें कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 10, मरी हुई चींटी में से एक रसायन निकलता है जिससे अन्य चींटियों को उसके मृत्यु होने का पता चलता है। अगर यह केमिकल किसी जिंदा चींटी पर गिर जाए तो अन्य चींटियां उसे मृत मान लेती हैं और उसे भी मरा समझकर वहां से उठाकर हटा देती हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है विवेक एक्सप्रेस ट्रेन भारत की सबसे लंबी रूट पर चलने वाली ट्रेन है जो डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच चलती है और कुल 4,286 किलोमीटर दूरी 82 घंटे और 30 मिनट में तय करती है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कांटेदार पंखों वाले फ्लोवर पक्षी अपना बहुत समय मगरमच्छों के मुंह के भीतर बिताते हैं। मगरमच्छों के दांतों में फंसी जोकों को निकालकर एक पक्षी खा जाते हैं और इस प्रकार मगरमच्छों की मदद भी करते हैं और जिसकी वजह से मगरमच्छ इन पर कभी अटैक नहीं करते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है हाथी का दिमाग इंसानों को देखकर वैसा ही महसूस करता है जैसे इंसानी दिमाग पिल्लों को देखकर करता है। उन्हें लगता है कि हम प्यारे हैं और हमें लगता है कि वे प्यारे हैं, कितना अजीब है ना। फैक्ट नंबर 6, ताइवान में मृत व्यक्ति की तरफ से नोट जलाए जाते हैं ताकि उसे स्वर्ग में कोई दिक्कत ना हो, हालांकि असली नोट की बजाय बाजार से खरीदी गई नकली मुद्रा जलाई जाती है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा भी जगह है जहाँ खट्टा शहद पाया जाता है। जी हाँ, खट्टा शहद, जिसका नाम ब्राजील है। यहाँ आप खट्टे शहद को चखने का आनंद ले सकते हैं। विश्व का मात्र यह एक इकलौता देश है जहाँ पर खट्टे शहद पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है एटीएम को जॉन सेवर बैरन ने बनाया था। 1965 में एक दिन बैरन पैसे निकालने बैंक 1 मिनट की देरी से पहुंचे और बैंक बंद हो गया। इसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों न एक ऐसी मशीन बनाई जाए जिसमें 24 घंटे पैसे निकाले जा सके, और तभी से हम आज एटीएम से पैसे को विथड्रॉ कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हो आप अपने गले की टाई को 17,147 अलग अलग तरीकों से बांध सकते हैं। आपको इन 17,147 तरीकों में से कितने तरीके मालूम हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है एक लड़की ने फेयर एंड हैंडसम पर मुकदमा दायर कर दिया था क्योंकि वह 3 हफ्ते में गोरा नहीं हुआ जैसा विज्ञापन में दिखाया गया था। वो लड़का मुकदमा जीत गया और कंपनी को उसे 15 लाख का जुर्माना देना पड़ गया था। फैक्ट नंबर 1, आपको सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा किंतु क्या आप जानते हो देश का इकलौता ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां वीजा अनिवार्य है। जी हां, इस रेलवे स्टेशन का नाम अटारी है जो कि पंजाब प्रांत में स्थित है। यहां पर जाने के लिए पाकिस्तानी वीजा अनिवार्य कर दिया गया है। 24 घंटे खुफिया व सुरक्षा एजेंसियों से घिरे इस रेलवे स्टेशन पर बिना वीजा पहुंचने वाले देश के किसी भी नागरिक को 14 फॉरेन एक्ट बिना वीजा के इस रेलवे स्टेशन पर आने का आरोप के तहत मामला दर्ज होता है। इस रेलवे स्टेशन से हर रेलवे टिकट खरीदने वालों को पासपोर्ट नंबर लिखा जाता है।
आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस रेड वाले बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।